आज परिवार से लेकर पंचायत तक, इकोनॉमी से लेकर एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप तक हमारी बहन बेटियां हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम कर रही है। भारत को चांद तक पहुंचाने में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज हमारे स्टार्टअप्स हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो या स्वच्छता जैसे सामाजिक अभियान हो, महिलाओं की भागीदारी और भूमिका देश की ताकत बन रही है। देश ने संकल्प लिया है कि जब हम आजादी के 100 वर्ष पूरे करें तब तक हम भारत को विकसित बनाकर के ही रहेंगे, एक डेवलप्ड कंट्री बनाकर के रहेंगे। इसमें देश की जो आज आधी आबादी है उसकी सक्रिय भागीदारी और नेतृत्व के साथ सक्रिय भागीदारी, निर्णयों में बराबरी का हिस्सा, ये इस सपने को साकार करने का बहुत बड़ा फोर्स बनने वाला है। मेरे परिवारजनों, नया और आधुनिक संसद भवन और उसमें आधी आबादी का बढ़ता हुआ प्रतिनिधित्व इन नई व्यवस्थाओं का सूत्रपात करेगा। मुझे विश्वास है कि देश की नारी शक्ति नई और स्वस्थ संसदीय परंपराओं का भी सृजन करेगी और इसी विश्वास के साथ आप सब इतनी बड़ी तादाद में आकर के मुझे आशीर्वाद दिए। भारत की संसद के इतने बड़े महत्वपूर्ण निर्णय को माताओं बहनों ने संवारा और मुझे खुशी तो तब हुई जब इसको प्रधानमंत्री आवास मिला है, वो बहन मुझे आकर के आशीर्वाद दे रही है। जिसको उज्ज्वला का गैस मिला है वो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारा कर चुकी बहन मुझे आशीर्वाद दे रही है, तब मेरा पक्का विश्वास और मजबूत हो जाता है। और इसलिए मैं फिर एक बार आप सबको अनेक शुभकामनाएं देता हूं। ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उसको गांव गांव घर घर पहुंचाना हम सबका दायित्व है और इस सामर्थ्य को और तेजी से आगे बढ़ाएं, इसी एक अपेक्षा के साथ सभी माताओं बहनों को प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ पूरी शक्ति से बोलिए भारत माता की, आवाज पूरी दिल्ली में गूंजनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।